नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्चुअल तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ उसकी लागत पर पहले ध्यान दिया गया। नतीजा, आज देश के 27 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ट्रेवल व टूरिज्म में भारत दुनिया में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर था। जैसे कोरोना की स्थिति संभल रही है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन आने में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन इससे एहतियात बरतना नहीं छोड़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े और विराट हैं, लेकिन सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना होता है। जब साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। बता दें कि आगरा मेट्रो ट्रायल 2 साल में होना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस पर 8,000 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। 30 किलोमीटर लंबा रूट होगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 8,000 करोड़ की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट आधुनिकता को और मजबूत करेगा। पिछले 6 साल में यूपी के साथ जिस स्केल और स्पीड से मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हुआ, वे इस सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग मेट्रो की सौगात मिल रही है। आगरा में न केवल 26 लाख की आबादी निवास करती है, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल सुविधा का अभाव होने के नाते कई दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने जो सार्थक प्रयास शुरू किए, उसी का परिणाम है कि यूपी के लखनऊ में संचालन के साथ ही आगरा, कानपुर, गाजियाबाद में मेट्रो की सौगात मिली है। आज हम सबके लिए गौरव की बात है। जहां कोरोना काल में गरीब नौजवान के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम हुआ, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य भी अभूतपूर्व हुआ है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।